सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड व्हाट्सअप एंड एस सुधांशु ब्लॉगर एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, हमारी सुबह हो चुकी है, हम नहा कर एकदम रेडी हो चुके हैं, देखो। एंड मेरा फ्रेंड भी नहा कर रेडी हो चुका है। सो अभी हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसका सेंटर पहले जाएंगे क्योंकि इसका एग्ज़ाम था ना, तो स्पेशली हम इसका एग्ज़ाम दिलाने वाराणसी आए थे। तो यहाँ अभी स्टेशन से हम लोग स्टार्ट करेंगे, इसका सेंटर ढूंढेंगे कहाँ है। एंड ये देखो स्टेशन। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड हमारी सुबह हो चुकी है, वाराणसी स्टेशन के भी आप दर्शन कर लो मॉर्निंग में। एंड ये हमारा दूसरा ब्लॉग है वाराणसी का। एंड मेरा फ्रेंड चंदन भी नहा कर रेडी है एंड मैं भी नहा कर रेडी हूँ। सो अभी हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे जर्नी, इसके सेंटर ढूंढेंगे क्योंकि इसका एग्ज़ाम है, तो स्पेशली हम लोग इसका एग्ज़ाम दिलाने वाराणसी आए थे। सो हम लोग यहाँ से इसका सेंटर ढूंढने जाएंगे ऑटो से। सो गाइस, अभी बज रहे सुबह के 5 एंड मैं आपको दिखाता हूँ वाराणसी स्टेशन का मॉर्निंग का क्या नज़ारा रहता है। सो ये देखो गाइस, ये है मॉर्निंग का व्यू। सब लोग जो सो रहे थे अभी उठ रहे हैं धीरे धीरे, एंड सड़क पे भी हलचल स्टार्ट है पूरा। ये तो रात भर था यार। एंड यहाँ से आप मॉर्निंग में उठो तो फिर इधर सामने चाय की टपरी वगैरह है, उधर चाय भी पी सकते हो। एंड चाय वाले यहाँ भी आते थे बेचने। सो गाइस, लगभग 6 बज गए हैं और हम लोग नाश्ता वास्ता करके निकल चुके हैं सेंटर जाने के लिए। सो बाकी का 2 लड़का आगे है एंड मैं यहाँ एंड स्टेशन पीछे। तो अभी यहाँ से जाएंगे ऑटो वाले के पास क्योंकि वहाँ जाके सेंटर पूछेंगे कहाँ है। फाइनली हमें ऑटो मिल गया है एंड हम ऑटो में बैठ गए एंड जा रहे हैं अपने सेंटर जो कि सिंधौरा रोड पे है, आर्या बाजार। सो गाइस, ये देखो मॉर्निंग का वाराणसी का रोड बहुत ही मस्त है एंड सुबह सुबह का व्यू ही अलग होता है यार, मजा फील ही अलग होता है। एंड देखिए अभी हम लोग जाएंगे आगे सड़क पे एंड सामने हमें लिखा हुआ दिख रहा है काशी मेरा स्वाभिमान, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये देखो, मेरी काशी मेरा स्वाभिमान, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो चलिए अभी यहाँ से आगे बढ़ेंगे। सो गाइस, यूपी वाराणसी की सड़कें बहुत ही ज़्यादा क्लीन एंड बहुत ही ज़्यादा मतलब प्यारी है। यहाँ राइडर लोगों के लिए बहुत ही अच्छी सड़क है ये। गाइस, इधर की सड़कें देखो, इधर की सड़कें तो और भी ज़्यादा प्यारी है एंड दोनों तरफ बहुत बड़े बड़े पेड़ भी लगे हुए हैं जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है एंड पर्यावरण के लिए भी बहुत ही अच्छा है एंड सड़क की सुंदरता भी बढ़ाती है ये पेड़। ऐसा तो मतलब हर सड़क पे होना चाहिए, हर जगह पे मतलब सड़क के दोनों साइड पेड़ होना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारे पर्यावरण के लिए भी सही रहे एंड सुंदरता भी बढ़ाए।
सो गाइस फाइनली हम लोग एग्जाम सेंटर पे पहुंच चुके हैं एंड देखो सब लोग काफ़ी ज़्यादा ही खुश है एग्जाम सेंटर पे पहुंच के। सो गाइस ये देख लो, यही है वो लोकेशन जहाँ पे हमारा एग्जाम सेंटर है। सो चलो, सो गाइस अब मिलते हैं हम आपसे एग्जाम के बाद। सो गाइस मैं तो अभी यहीं पे वेट करूँगा, तब तक मेरा फ्रेंड एग्जाम देख के आएगा तो फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। सो फ्रेंड मेरे दोस्त का एग्जाम खत्म हो गया है ना भाई, भाई इंटरव्यू तुम्हारे लिए पास हो गए। तुम्हारा एग्जाम खत्म हो गया ना? अच्छा तो बनाया ना भाई, इसी का सेंटर पता करने आया था। इसका एग्जाम भी अच्छा गया, बोल रहा कि अच्छा गया, तो देखते हैं अब इसका रिजल्ट क्या आता है। तो अब हम लोग यहाँ से वापस निकलेंगे। बोलो भाई, खींच करके तैयारी करने का भाई, जोर शोर से इसी का सेंटर पे आए थे, तो इसका एग्जाम भी हो गया तो चलेंगे वापस। तो चलिए ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। ये ब्लॉग ज़्यादा लंबा नहीं बनाने वाले हैं क्योंकि अभी जाएंगे तो नहाएं वाएंगे, कुछ खाएंगे। तो ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड एंड अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग जाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय। अब ताज होटल जाएंगे यहाँ से।